Hello all my viewers, welcome back, and in today's lecture we will study RC circuit. So in this we will find the equation of charge through the capacitor and behavior of capacitor at different instant of time. It means that how the capacitor behave at t equal to zero, at t equal to infinity, or at any other time. So let's find first of all the equation of charge. So let's suppose is pe q charge flow kar raha hai. And let's mark the polarity plus minus because current flows from higher to lower potential. So I have just marked the polarity. Now apply the KVL in this loop. So applying KVL. So E minus Q by C, E minus IR, drop in resistance minus Q by C is equal to zero. So E minus Q by C is equal to I into R. And what is I? You know that key I is equal to dQ by dt. So EC minus Q by C is equal to dQ by dt into R. So we can write it as is equal to dt upon RC. Now let's integrate it both sides. We will get ln EC minus Q negative is equal to T by RC. Now let's put the limit 0 to T and 0 to Q. So we will get ln EC minus Q minus ln EC. And these are limit of Q. This is Q equal to 0 and Q is equal to Q. So this is minus तो हमने क्या किया, इस नेगेटिव को हम इस तरफ ले आए, ये आ गया. सो वी विल गेट ln EC माइनस Q अपॉन EC ब्रैकेट माइनस T बाय RC. नाउ लेट्स टेक ln दिस साइड, तो वी विल गेट EC माइनस Q अपॉन EC इज इक्वल टू E की पावर माइनस T बाय. So we'll get Q is equal to CE bracket 1 minus e to the power minus t. This is the equation of charge through capacitor or the circuit. कह सकते हैं सर. तो अगर मैं इस equation को differentiate कर लूँ, तो मुझे current मिल जाएगा. So we can get current I is equal to dQ by dt. को differentiate करते हैं, तो बचेगा ये CE. E की पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू माइनस वन बाय आर सी. सो दिस इज इक्वल टू ई बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी. दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट. सो हमको यहां से इक्वेशन ऑफ करंट भी मिल गया, हमें इक्वेशन ऑफ चार्ज भी मिल गया, सब कुछ मिल गया हमको. अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये सर्किट कैसे बिहेव कर रहा होगा डिफरेंट टाइम पे. तो पहला पर्पज तो पूरा हो गया. तो अगर मैं देखूं एट t इक्वल टू जीरो, मतलब क्या इसका, जब समय शुरू हुआ है अभी कोई चार्जिंग नहीं हुई है, बस सर्किट में चार्ज ने फ्लो होना स्टार्ट किया है. तो पुट करते हैं q इज इक्वल टू ce ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर 0, दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर इज टोटली अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है. सिंपली अगर मैं करंट निकालू उस पर, तो करंट कितना आएगा e by R e की पावर माइनस जीरो हो जाएगा टाइम. दिस इज इक्वल टू e by R. अब इसका मतलब क्या समझते हैं. तो यहां पे देखा मैंने कि करंट की वैल्यू आई e by R. इट मींस व्हाट, इट मींस कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस तो सेम है, कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, कैपेसिटर कुछ नहीं कर रहा. सर्किट में करंट e by R कब आएगा, तब आएगा जब कैपेसिटर सर्किट में होगा ही नहीं. इट मींस दैट कि कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट. सिंपल, शॉर्ट का मतलब क्या है कि वी कैन रिप्लेस इट बाय वायर. तो यहां हम इसको किसी वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि देखा मैंने करंट की वैल्यू है ई बाय आर, वो कब होगा,
सर्किट में कैपेसिटर हो ही ना, मतलब कैपेसिटर शॉर्ट है, और शॉर्ट इसलिए भी क्या, क्योंकि कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल ही अनचार्ज है। तो वी कैन राइट कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है, या फिर इसको सिंपल एक वायर से रिप्लेस कर दो आप, तो आपको टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन मिल जाएगी। तो दिस इज द केस वन। नाउ लेट्स मूव टू केस टू, दैट इज एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या है, बहुत टाइम बाद, दैट मीन्स एट स्टडी स्टेट। अच्छा, हमने ये भी ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि t इक्वल टू जीरो पे जो चार्ज था, चार्ज वॉज मिनिमम, मिनिमम था, एंड द करंट वॉज मैक्सिमम, करंट एकदम मैक्सिमम फ्लो कर रहा था। उसके बाद तो डिके करेगा, देख सकते हो ये फंक्शन जैसे टाइम बढ़ता जाएगा करंट की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। अब देखते हैं स्टडी स्टेट t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो क्यू पुट करता हूँ मैं सी फंक्शन में 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू सी 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो वी विल गेट सी, एंड सी इज व्हाट, सी इज द मैक्सिमम चार्ज, क्योंकि सर्किट पे अगर इस कैपेसिटर के पास में बोलूं कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिल सकता है इसको, तो जब ये e पूरा मिल जाए इसको, तो e जब पूरा मिल जाएगा तो जो चार्ज होता है हमारे पास, चार्ज होता है सी इंटू वी, तो सी तो कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कब मिलेगा मैक्सिमम, जब ये पूरा वोल्टेज मिल जाए इसको, तो वी कैन राइट ये पूरा मिल गया, वी कैन राइट कि जो सी निकल के आया ये क्या होगा, दिस इज मैक्सिमम चार्ज। तो मैं यहां से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कब होता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और टी इक्वल टू जीरो पे कितना होता है, शून्य। सिमिलरली करंट निकालते हैं, करंट आएगा ई बाय आर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब करंट जीरो हो गया। अब देखो उल्टा चल रहा है, वहां पे टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो था, करंट मैक्सिमम था, यहाँ पे टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज मैक्सिमम हो गया और करंट जीरो हो गया। अब करंट जीरो कब होगा, क्या मतलब है चीज का, इसका मतलब ये है अगर सर्किट ड्रॉ करूं तो ये तब होगा जब, अब आर की प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट होती है, आर तो हमेशा आर रहता है सर्किट के किसी भी टाइम, बात कर लो कहीं भी लगा लो उसको, इसका मतलब ये कैपेसिटर कुछ यहाँ पे पंगा कर रहा है, पंगा क्या कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर अब चार्ज को ले नहीं रहा, कैपेसिटर हो गया फुली चार्ज, तो कैपेसिटर को अब चार्ज नहीं चाहिए, जितना वोल्टेज था कैपेसिटर ने इसको पूरा चूस लिया, सारा वोल्टेज ले लिया यहाँ पे, अब इसको वोल्टेज नहीं चाहिए और ना ही दे सकता इससे ज्यादा, इसकी कैपेसिटी ई है, ई ले चुका है, इसका मतलब कैपेसिटर अब काम करेगा एज ओपन सर्किट, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपेसिटर जो है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको बोला हो कि स्टडी स्टेट है, तो उस टाइम पे जितने कैपेसिटर लगे हैं सर्किट सर्किट में उन सबको आप ओपन कर दो, क्योंकि कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं ले रहे होंगे, और उस टाइम पे जो करंट है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, तो आपको खाली चार्ज उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो दिस इज अ सर्किट। तो अगर मैं इन ग्राफ ड्रॉ करूं चार्ज का, तो चार्ज निकल के आया है, तो वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू, हम लिखते हैं सी को क्यू नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय आर सी। अब इसे ग्राफ प्लॉट करूं तो उसका ग्राफ कुछ निकल के इस तरह से आएगा, स्टार्टिंग में जीरो और फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज इज सी, दिस पॉइंट इज सी। सिमिलरली अगर मैं करंट का ग्राफ प्लॉट करूं तो करंट देख सकते हैं, करंट पहले टी इक्वल टू जीरो पे था मैक्सिमम, आप चेक कर सकते हो टी इक्वल टू जीरो पे था ई बाय आर, बाद में कितना हो गया जीरो, तो करंट की वैल्यू कम हो रही है, और इसको हम इसके ग्राफ चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इक्वेशन आई थी आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से डिके करता चला जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू इज ई बाय आर, और यहाँ पे एक टर्म और होती है, वो होती है आर सी, इसको हम बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। इसके लिए हमने एक अलग लेक्चर बना रखा है, उसमें हम टाइम कॉन्स्टेंट डिटेल में पढ़ा है कैसे निकालते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू टाउ बोलते हैं इसको हम, दिस इज इक्वल टू आर सी। तो आर सी की जो डायमेंशन है वो लगभग टाइम के बराबर, लगभग मतलब टाइम के बराबर ही होती है, तो दिस
दिस आर सी इज कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट. तो अगर मैं इसको उठा के पुट कर दूं चार्ज में कि भाई ये तो क्यू नॉट हो गया, ये लिखा है 1 - e की पावर -t / tau लिख दिया मैंने इसको, ठीक. ऐसे में लिखता हूँ करंट को I0 e की पावर -t / tau हो गया, ठीक. तो अगर मैं बोलूँ कि एट t इक्वल टू tau, तो ये बन जाएगा q इज इक्वल टू क्यू नॉट tau बाय tau. तो दिस इज इक्वल टू q नॉट 1 - 1/e. तो e की वैल्यू होती है हमारे पास 2.7, तो उसको अगर आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा लगभग दिस इज इक्वल टू 0.63. या फिर मैं उसको यहां पुट करूं अगर आई नॉट, तो मिलेगा मुझे -tau/tau एंड दिस इज इक्वल टू I0 / e. तो ये मिलेगा मुझे लगभग 0.37 I0. इसका मतलब डिफाइन कर सकते हैं इसको हम कि टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है. अगर पूछेगा हमसे तो हम बोलेंगे इट इज द टाइम व्हेन चार्ज रीचेज 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड करंट रीचेज 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो जब चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो गया या फिर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% हो गया, तो उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट सिंपल सर्किट में. तो लेट्स सपोज मान लो कि ये टाइम हमारे पास टॉ है, तो ये टाइम जो है इस पर चार्ज कितना होगा 0.63 c. एंड सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि ये टाइम हमारे पास t इक्वल टू टाउ है, तो इस टाइम पे करंट जो होगा वो होगा 0.37 e/r. तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि क्वेश्चन ऑफ चार्ज यहाँ वेरी करती है एक्सपोनेंशियली, करंट भी वेरी करता है एक्सपोनेंशियली. हमने पढ़ा कि t इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर था शॉर्ट सर्किट जो कि कुछ काम नहीं कर रहा था, अनचार्ज था. t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर था ओपन सर्किट. तो जहां भी आपको ओपन मिलेगा, क्वेश्चंस काफी आते हैं इसके इंपॉर्टेंट स्टडी स्टेट पे, तो ये स्टेट काफी इंपॉर्टेंट होती है. तो इस स्टेट पे जब भी करना पड़ेगा क्या करोगे आप, सिंपल कैपेसिटर को ओपन कर दोगे, ओपन करके उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लोगे सारा, और दैट विल बी इक्वल टू द स्टडी स्टेट वोल्टेज या फिर स्टडी स्टेट चार्ज कितना कैपेसिटर को होगा. सो बाकी इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो दैट्स इट.